कैसे हैं आप लोग? तो आज जैसा कि आपने देखा कि बर्थडे पूरा सेलिब्रेशन हो गया अच्छे से और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो सब जितने भी गेस्ट थे सारे चले गए हैं और मेरी आवाज़ भी देखो कैसी भारी भारी सी हो रही है, पता नहीं टाइट की वजह से क्या या कोल्ड हो गया है। और यहाँ पे शुगू को भी कोल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा खांसी कर रही है वो। और मैं बस बैठी हूँ और मुझे कुछ भी एक्चुअली काम करने का मन नहीं कर रहा, पूरा घर ऐसे बिखरा हुआ है क्योंकि जो सेटिंग वेटिंग थी डेकोरेशन के चक्कर में वो भी हमने ऐसे इधर से उधर कर दिया है, सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। किचन में काम इतना फैला हुआ है और उसके बाद भी मन मतलब एकदम से ना मन ही नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, अभी कितने बज रहे हैं, आई थिंक अभी 4 बज गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी आएगी, उसके बाद पूरा जितना भी ये काम है ये सारा वो सब ठीक कर रही हूँ। तो ये हमने जो डेकोरेशन किया था सारे बलून्स तो बच्चों ने हटा दिया है पूरा। कल तो ये देख रहे सोफा फदर हो गया है, जो बिस्तर बिछाए थे वो बलून्स, पूरा घर इतना गंदा फैला हुआ है ऐसे ही पूरा पड़ा हुआ है। और ये है एक्चुअली आराध्या का बर्थडे गिफ्ट। जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे बर्थडे में पापा देंगे साइकिल और आप दोगी फ्रॉक। उसका एक दो दिन पहले उसके पापा ला दिए थे साइकिल, उसको उसका जो गिफ्ट है मिल गया, मैंने भी दे दिया है। तो सारा ऐसे ही घर पड़ा हुआ है। तो ये दोनों माँ बेटी सो रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये दोनों सो रहे हैं अभी। शिको आप छो के उठ गई, सो रहे हो? ये जग गई थी और जैसे देखा इसने मम्मा आ रही, फिर से सो गई। सो गई, उठ जाओ मिश्रा जी, उठ जाओ, कितना सो गए, पापा को उठाओ, बोलो पार्टी खत्म हो गई है, हैंग ओवर कर लो पार्टी का, खत्म हो गई पार्टी। तो ये बर्थडे कैप काम आने वाला है क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद मिश्रा जी की भी बर्थडे आने वाली है, तो उसमें ये कैप काम आएगी। हेलो हेलो शुगू, कहाँ जा रहे हो? घूमने मेट्रो से घूमने जा रहे हो? हाँ। अरे वाह, मुझे भी लेके चलोगे? तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और सडनली हमने प्लान बना लिया कि कहीं चलते हैं। तो एकदम से प्लान बना, कोई हमने प्लानिंग नहीं की थी, तो बस हम चल पड़े हैं। और कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो ज़रूर देखते रहिए। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। चुके हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको लोगों को बताऊंगी। तो बिना प्लान करे हुए हम लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने, इतना बता देते शॉपिंग करने, कौन से मार्केट जाऊंगी आपको बाद में बताऊंगी, सरप्राइज है। लेट्स सी हम लोग कहाँ जाते हैं और क्या क्या लेते हैं, आपको पता ही चल जाएगा। बाबू हाय बोल दो, आई एम गोइंग टू स्टेशन राजधानी पार्क, चलो चलो मैं भी आ रही हूँ, चलो ये तो हम आए हैं सरोजनी नगर मार्केट जो दिल्ली में है और आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा ही फेमस मार्केट है अपने चीपेस्ट प्राइस के लिए। तो एक्चुअली हमें एक्सप्लोर करना था मार्केट और
घूमना भी था थोड़ा सा, इस वजह से हम यहाँ पे आ गए विदाउट एनी प्लानिंग। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग कर पाती हूँ अंदर जाके कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ है मार्केट में। फोन केलुआ बार बार केन फोन फेल लिया तू सर अच्छा ऐसा वाला लेके आई हो तो हम मार्केट से आ चुके हैं और जैसे हम घर आए तब तक बहुत ज्यादा ही अंधेरा हो गया था। मार्केट से तो हम जल्दी निकल गए थे, जो टाइम लगा था वो मेट्रो में ही लगा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम गए थे बिल्कुल दिन के उजाले में और आए हैं अंधेरे में। और यहाँ पे जैसे ही आए तो मैं मम्मी के घर ही चली गई थी, तो मम्मी पूछ रही कि क्या क्या लेके आए हो तुम लोग, तो वही हम दिखा रहे, जितने भी हमने टॉप्स लिए थे, जो ड्रेसेस लिए थे, जो भी सामान लिया था वो सारी वन बाय वन हम दिखा रहे थे। और यहाँ पे बीच में पापा आके देख भी रहे थे कि कैसा है कपड़ा कैसा नहीं है। तो जितने भी ड्रेसेस हैं इसमें कुछ मेरे हैं, कुछ निशु के हैं, कुछ भाभी के हैं, तो सारी ड्रेसेस हैं। और जो बच्चों ने कुछ लिया था बीच बीच में वो भी दिखा रहे हैं। तो फाइनली गाइस मैं आ गई हूँ मार्केट से, और जैसा कि देखा आपने शाम हो गई बिल्कुल भी, अभी बस मैं आई हूँ और जोत जलाना था क्योंकि शाम का टाइम हो गया, तो शाम की आरती भी दिखानी थी। और एक ऊपर से मेरा आज फास्ट भी है, त्रयोदशी है यार, तो आज फास्ट भी था। आई डोंट नो कि जो ब्लॉग है वो कब अपलोड होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्लॉगिंग जो है वो एडिट करके अपलोड करना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सडनली बिल्कुल प्लान बन गया, देखा आप लोगों ने, कोई मैंने प्लानिंग नहीं की थी, एकदम से प्लान बन गया कि चलो चलते हैं, क्योंकि विंटर का सीज़न आ गया है। और विंटर सीज़न आप लोगों को पता है कि सरोजिनी नगर में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं विंटर सीज़न के, और चीपेस्ट भी होते हैं हम बोल सकते हो। तो एक थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करना था, और मैं अपनी भाभी को भी घुमाने ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम एक्चुअली वो गई हैं, वो उससे पहले वो कभी नहीं गई हैं। मैं तो दो बार जा चुकी हूँ, मैं एक थर्ड टाइम गई थी, तो वो भी एक्सप्लोर करना था। मैंने सोचा था पूरा प्रॉपर ब्लॉगिंग करूँगी, बट मैं जैसे ही मैं एंट्री की मैंने मार्केट में, ओ माय गॉड इतनी भीड़ थी कि ऊपर से सुग्गू का था कि गोदी, कभी नीचे कभी गोदी। तो उस टाइम मेरे को लग ही ना था कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी, अगर मैं ब्लॉगिंग करती तो फिर बच्चा था साथ में, तो इसी वजह से ना मैंने उसको सोचा कि उसको चल ड्रॉप ही कर देती हूँ। आप सब लोगों को पता ही कैसा मार्केट है, बहुत लोगों को पता ही होगा, तो इस वजह से मैंने कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी मैं कैमरा फ़ोन निकाल के एक्चुअली मैंने शूट किया ही नहीं है। बस यही रीज़न था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। मैं फिर भी कर लेती, क्योंकि अगर आप कुछ काम करते हो तो भीड़ हो कुछ भी हो फिर भी कर सकते हो। बट लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि सुग्गू मेरे साथ थी, उसको कोई संभालने वाला नहीं था, और वो किसी के साथ जा भी नहीं थी। वैसे तो साथ में मेरी सिस्टर भी थी, बट उसके गोदी में जा ही नहीं रही है, उसका था कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना। तो इस चक्कर में फिर हम नहीं कर पाई मैं, तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊंगी तो पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप बोलोगे कि हमेशा आप ऐसे ही बोलते हो कि नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो करूंगी। तो और ये शर्ट देखिए, आपको पता चल गया होगा जो मैंने दिखाया था आपको कि मैं ये शर्ट लेके आई हूँ, थी वही शर्ट है जो मैंने पेयर किया है डेनिम के साथ, भी डाल रखा है। पीछे आप लोग देख रहे होंगे आराध्या का पूरा बर्थडे का जो है वो सब ऐसे लगा हुआ है, सुबह मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो ये सब सारा काम करके फिर एकदम सडनली प्लान बन गया और हम लोग चले गए। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है, जो कपड़े लेके आई उसको ट्राई भी करके देखना है कि आएंगे मुझे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उस टाइम तो हमने बस ले लिया। देखा आप लोगों ने कैसे कुछ जो ड्रेसेस है वो हमने लिया है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जब पहनूंगी तब आपको पता चली जाएगा।
और मुझे आपको ये बताना था कि अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग जरूर जाओ, क्योंकि विंटर के लिए एसएम मार्केट से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि वहाँ पे गर्ल्स के लिए ना बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, जो ऑफिस गर्ल हैं या आप लोग ऐसे जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हो तो बहुत सारी वैरायटीज मिल जाती हैं आप लोगों को, तो आप ले सकते हो। वैसे तो बहुत सारी मार्केट जैसे करोल बाग मार्केट हो गया, लाजपत नगर हो गया, एक मैंने जो आपको आर्ट समाज मार्केट बताया था वो मार्केट भी हो गया, और बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको इतना बोल सकते हो अच्छी क्वालिटी के चीजें मिल जाती है, तो आप लोग जा सकते हो। और अगर मैं बस आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो विंटर के लिए तो डेफिनेटली आपको ऐसा जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छी चीजें मिल जाती है। अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, बहुत जल्दी आप लोगों से मिलने वाली हूँ नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें।